हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा नेचुरल हेयर ब्रशेस और सिंथेटिक ब्रशेस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों से आप किस तरह का काम कर सकते हो, और नेचुरल हेयर ब्रशेस में क्या अच्छा है और सिंथेटिक ब्रशेस में क्या अच्छा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे नए नए वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रशेस बहुत ही अलग अलग साइजेस और शेप्स की होती है। मेरे पास यह है एक चाइनीज ब्रश, स्क्वायर हेयर राउंड ब्रश, स्क्वायर हेयर 2 इंच फ्लैट ब्रश, ब्रेस्टो का मॉप ब्रश और एक स्क्वायर हेयर फ्लैट ब्रश। और सिंथेटिक ब्रश मेरे पास है एक फैन ब्रश, 2 इंच का एक सिंथेटिक फ्लैट ब्रश, 2 राउंड ब्रश और एक फ्लैट ब्रश। तो मेरे पास यह 3 ब्रश है। लेकिन ये जो स्क्वायर हेयर ब्रश है यह अभी इंडिया में नहीं मिलता, तो इसे मैं हटा के रख रहा हूँ। और मैं कंपैरिजन करूँगा ब्रशो के इस नेचुरल हेयर मॉप ब्रश और इस सिंथेटिक ब्रश के बीच में। तो हमारे पास दोनों ब्रश ही हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ नेचुरल हेयर ब्रश। तो मैं ब्रशो का मॉप ब्रश ले रहा हूँ और मैं इसमें कलर्स ले रहा हूँ अभी। तो मैं कलर को अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं सीट के आधे से ज़्यादा जगह तो इस मॉप ब्रश से ही भर गया है। और इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और पिगमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी। तो अब है सिंथेटिक ब्रश की बारी। तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल हेयर ब्रश की तरह उतना वाटर नहीं कैरी कर सकता, लेकिन इससे आप छोटे मोटे जगह के वॉश कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया मैंने किया है नेचुरल हेयर ब्रश से और ये वाला सिंथेटिक ब्रश से। तो सिंथेटिक ब्रश के मुकाबले नेचुरल हेयर ब्रश ने डबल एरिया कवर किया है, और इससे पता चलता है कि नेचुरल हेयर ब्रश का वाटर और पिगमेंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन नेचुरल हेयर ब्रश के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ हेयर फॉल हुआ है जो आपको सिंथेटिक ब्रश में नहीं देखने को मिलता। तो अभी करेंगे फाइन डीप टेस्ट। नेचुरल हेयर ब्रश से मैं इजीली पतली पतली लाइंस खींच सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइंस खींचने में। और सिंथेटिक ब्रश से भी मैं पतले पतले लाइंस खींच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेचुरल हेयर के मुकाबले सिंथेटिक ब्रश में लाइन खींचने में आसानी होती है क्योंकि उसका टिप जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये मैंने बनाया नेचुरल हेयर ब्रश से। और ये बनाया सिंथेटिक ब्रश से। यहाँ मेरे पास करीब 3 साल पुराने 2 ब्रश हैं, एक नेचुरल हेयर ब्रश और एक सिंथेटिक ब्रश। तो अब मैं इससे लाइन खींच के दिखाऊंगा। तो मैं सिंथेटिक ब्रश से पहले लाइन खींच रहा हूँ और इजीली लाइन बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं नेचुरल ब्रश यूज़ करूँगा।
आप देख सकते हैं इसका टिप खराब हो चुका है और इससे लाइन नहीं बन रहा। तो सिंथेटिक ब्रश नेचुरल हेयर ब्रश से डिटेलिंग में बहुत अच्छा होता है और इससे आप पतली पतली लाइंस खींच सकते हैं, इसका टिप जल्दी ख़राब नहीं होता। वैसे तो दोनों ही ब्रश अच्छे होते हैं, लेकिन इस नेचुरल हेयर मॉप ब्रश से आप बड़े बड़े जगह पे वॉश दे सकते हैं और इस सिंथेटिक ब्रश से आप डिटेलिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, लाइनिंग वगैरह। लेकिन नेचुरल हेयर ब्रश के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है जो आपको सिंथेटिक ब्रश में नहीं देखने को मिलेगा। तो यही था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।